होटल की रेड में अर्पिता के साथ ऋत्विक, जिसने अर्पिता को बस कॉल ही किया था, वो भी लपेट गया। इंस्पेक्टर के बुलाने पर जब ऋत्विक होटल पहुंचा, तो दो थप्पड़ के बाद नाइट ड्यूटी वाली रिसेप्शनिस्ट ने सारा सच उगल दिया। रिसेप्शनिस्ट रोते हुए बोला, इनके चेकिंग के टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था सर, बातों बातों में आईडी लेना भूल गया और शायद ये नंबर भी बात करते करते बदल गया, जानबूझकर नहीं किया सर। अर्पिता गुस्से में बोली, मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दे, हमारा सामान कहाँ रखा तुमने? वो मैंने संभाल कर स्टोर रूम में रख दिया था, मैं सुबह वापस रखने वाला था आपका सामान, पर पहले ही पुलिस आ गई और मैं डर के मारे भाग गया यहाँ से, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, बेटा तुम चलो हवालात में, तुमको तो वहां बताते हैं असली डर क्या होता है, ले चल साड़ने। इंस्पेक्टर अर्पिता की तरफ मुड़ा और बोला, सॉरी मैडम बहुत तकलीफ हुई आपको, लेकिन हम भी अपना काम ही कर रहे थे जी, दरअसल हमको एक लीड मिली थी इस एरिया के कुछ होटल्स में जिस्म फरोसी का धंधा होता है, इसलिए कुछ होटल्स में रेड मारी आज हमने। मेरा आपको सुझाव है जी कि आप अपनी एक आईडी साथ रखा करिए हमेशा। अर्पिता का मन इंस्पेक्टर को बहुत कुछ कहने का हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बस झूठ मूठ में मुस्कुरा दी। होटल से बाहर निकलते हुए ऋत्विक बोला, तुम इतने सामान के साथ यहाँ क्या कर रही थी? अर्पिता गुस्से में बोली, अब तुम इंस्पेक्टर मत बनो यार। अर्पिता के ऐसे जवाब देने के कारण ऋत्विक हैरान होकर उसे देखने लगा। अर्पिता ने सोचा, अरे हम इस पर क्यों चिल्ला दिए यार, ये तो हमारी मदद करने आया था, पर हम इन सवालों से परेशान हो गए हैं बाबा जी, अब फिर से एक नया झूठ बोलो। वो शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी यार हम इतना परेशान हो गए ना कि इन सब की वजह से तुम पर गुस्सा निकल गया हमारा, अब तुमको सच बता ही देते हैं, हम ना बहुत दुखी हो गए थे ये सोचकर कि तुमने कितना सपोर्ट किया है हमें ऑफिस में, पर हम तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पा। हमारी कल की टिकट थी बनारस की, लेकिन सागरिका ने हम पर मीटिंग की जिम्मेदारी सौंप दी, इसलिए उसके लिए रुक गए, पर फ्लैट तो खाली कर चुके थे तो होटल में चले गए, फिर हम रात भर दुख में ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहे, आखिरी रात जो थी हमारी यहाँ। ऋत्विक ने चौंक कर पूछा, तुम मेरी मदद ना कर पाने के चक्कर में गुरुग्राम छोड़कर जा रही थी, पागल हो तुम? प्लीज अगली बार से ध्यान रखना, तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम बिना पूछे मेरे घर आ सकती हो, वैसे अब तुम मेरी वाइफ होने का नाटक कर रही हो, इसका मतलब तुम अब कहीं नहीं जा रही। अर्पिता बोली, अब तो कहीं नहीं जा सकते हम, बहुत काम करने हैं यहाँ। ऋत्विक ने कहा, ग्रेट, वैसे मैं जिस वजह से तुमसे मिलना चाहता था वो तो किया ही नहीं, थैंक यू अर्पिता मेरी पूरी फैमिली को संभालने के लिए, पर एक बात बताओ, हमने शादी कर ली अचानक से ऐसा क्यों बोला तुमने? अर्पिता हिचकिचाते हुए बोली, मैं आज सुबह जब हॉस्पिटल आई थी आंटी से मिलने, तब डॉक्टर मिले थे मुझे, उन्होंने बताया कि आंटी की रिपोर्ट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे में मुझे लगा कि उन्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो बन पाए मुझे करना चाहिए, और कल आंटी ने शादी की बात की थी इसलिए मुझे लगा वो सच में शादी ना करवा दें, इसलिए तुम्हें बिना बताए डायरेक्टली उनको हमने शादी कर ली बोल दिया। आई नो तुम भी शॉक्ड थे, पर मुझे कोई और तरीका नहीं समझ आ रहा था, पर तुम चिंता मत करो, हम लोग आंटी को बहुत खुश रखेंगे, जितना भी टाइम उनके पास बचाए उससे उनकी लाइफ का बेस्ट टाइम बना देंगे। ऋत्विक की आंखें नम हो गई थी, पर वो खुद को कंट्रोल करके बोला, बिल्कुल एंड थैंक यू, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओह सॉरी, तुम्हारे पास तो कोई घर ही नहीं है ना अभी, एक काम करो अभी तुम मेरे घर चलो, फिर कल तुम्हारे लिए नया फ्लैट ढूंढ लेंगे हम। अर्पिता हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं घर का इंतजाम हो गया है, मैंने दिन में ही अपनी फ्लैटमेट को बोल दिया था कि किसी और को ना दे रूम। ऋत्विक बोला, ओके चलो फिर। इसके बाद ऋत्विक ने अर्पिता को उसकी सोसाइटी के बाहर छोड़ा और वहां से निकल गया। अर्पिता ने घर की डोरबेल बजाई तो गौरव ने दरवाजा खोला, अर्पिता को सामान के साथ वहां खड़ा देखकर वो चौंक गया और बोला, तुम वापस क्यों आ गई? तभी गौरव की मम्मी आई और बोली, ये तो इसका भी घर है ना, और कहां जाएगी? गौरव अपनी मम्मी के डर से अर्पिता से प्यार से बोला, मेरे कहने का मतलब था कि तुम तो बनारस चली गई थी ना, फिर क्या हो गया? अर्पिता ने झुंझलाकर जवाब दिया, हम जा रहे थे लेकिन नहीं गए, और हम क्यों जाएं? कोई मजाक थोड़ी है कि कोई भी हमें घर से निकाल दे ऐसे ही। गौरव ने कहा, तुम गई नहीं तो रात भर कहां थी कल, यहां क्यों नहीं आई वापस? अर्पिता अपना सामान अंदर खींचते हुए बोली, तुम्हें क्यों बताएं हम सब कुछ,
मम्मी जी हम आपको बताएंगे, हम अपनी फ्रेंड के घर थे कल रात, उसको जरूरत थी हमारी, अकेले खुद को संभालने की हालत में नहीं थी वो। गौरव की मम्मी बोली, कोई बात नहीं अर्पिता, रात गई बात गई, बासी खाने से पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं, इसलिए जो हो गया उसे जाने दो। और गौरव तू रख दे इसका बैग अंदर, थक गई होगी ये, तू तो छुट्टी पर था। गौरव ने मजबूरी में अर्पिता का बैग उठाया और अंदर कमरे में ले जाने लगा। तभी अर्पिता बोली, आज छुट्टी पर क्यों थे वैसे ये मम्मी जी, कोई जरूरी काम था? कोई कुछ बोलता उससे पहले गौरव बोल पड़ा, तुम्हें क्यों बताएं, ले ली छुट्टी, बस मन था तो। अर्पिता ने मुंह बना लिया और गौरव उसका बैग अंदर कमरे में रखने चला गया। गौरव की मम्मी बोली, बहुत ही बढ़िया किया तुम आ गई, अब तुम सब सही कर देना, ये तो पागल है। अर्पिता अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, वो तो है मम्मी जी, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं जरा। अर्पिता ने मन में बोला, पागल है तो भेजो पागल खाने, मुझसे शादी क्यों कर दी इस पागल की, बेटे की गलती नजरअंदाज करने का सही तरीका है ये, सब कुछ हम करें, शादी के सात वचन तो सब हमारे लिए ही थे, इनका बेटा तो बस आग में हाथ सेकने के लिए आया था वहां, वो तो हमारा दिल इतना बड़ा है कि किसी को दर्द में नहीं देख सकते, वरना पक्का बनारस चले जाते। अर्पिता कमरे में गई तो गौरव हाथ में अपना फोन लिए बैठा था। अर्पिता उसे छेड़ते हुए बोली, अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे हम तो यहीं रहेंगे, तुम्हारी मम्मी भी यही चाहती है। गौरव ने चढ़ते हुए जवाब दिया, उन्हीं की वजह से चुपूं, ज्यादा उछलो मत। अर्पिता बनारस जाने का प्लान कैंसिल कर गौरव के घर वापस लौट चुकी थी। गौरव उसके लौट आने से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ के डर से उसे वापस जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। उसे तो बस अब किसी तरह कोयल से बात करके अपने मन का बोझ हल्का करना था, इसलिए ऑफिस में मौका मिलते ही उसने कोयल मल्होत्रा शो में कॉल लगा दिया। Share your secrets with कोयल मल्होत्रा। हेलो, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा, PhD स्पेशलिस्ट। बताइए क्या छिपा है आपके दिल में जो कर रहा है आपको परेशान? कोयल, वही तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, लेकिन कभी हालात साथ नहीं देते तो कभी टेक्नोलॉजी। कॉलर की आवाज आई। अर्पिता आवाज पहचान चुकी थी, उसे पता था कि कॉल की दूसरी तरफ गौरव है। तभी आलोक भी माइक ऑफ करके बोला, ये वही लड़का है जिसे हमने फोन लगाया था, पर फोन कटने के बाद स्विच ऑफ आने लगा था। अर्पिता ने आलोक को थम्स अप का इशारा किया और ऐसे दिखाया जैसे उसने कॉलर को आलोक के बताने के बाद ही पहचाना था। वो बोली, फिर तो तुम जल्दी से बता दो तुम क्या बताना चाह रहे थे, क्योंकि इन दोनों ही चीजों का तो अभी भी भरोसा नहीं है मिस्टर। गौरव बोला, गौतम नाम है मेरा। कोयल, उस दिन तुमने कॉल किया था तो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फिर मैंने बैटरी चार्ज करके तुम्हें कॉल लगाया तो तुम शो खत्म कर चुकी थी। फाइनली आज मैं सब बात कर सकूंगा। अर्पिता के मन में उस सीक्रेट को जानने का एक्साइटमेंट तो था, लेकिन वो ये सोचकर नर्वस भी हो रही थी कि गौरव कहीं ऐसी कोई बात ना कर दे जिससे अर्पिता की जिंदगी में बवाल हो जाए। वो बोली, तो बताओ। गौरव ने गहरी सांस बाहर छोड़ी और बोला, पर पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है, मैं तो पहले से ही अपने आप को गुनाहगार मानकर बैठा हूँ, और अब मुझे डर लग रहा है कि इतने लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे जज करेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैं धोखेबाज हूँ और कितना बुरा इंसान हूँ, इसलिए चाहते हुए भी हिम्मत नहीं हो रही है। अर्पिता ने कहा, तुम तो बहुत सस्पेंस बढ़ा रहे हो यार, पर बिना बात की चिंता कर रहे हो, तुम किसी को दिख नहीं रहे हो और ना ही तुम्हें कोई जानता है यहाँ, इसलिए इतना मत सोचो और बेधड़क अपने दिल की बात बोल दो, और हम तुमसे वादा करते हैं हम तो तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, हम इंसान की आवाज और बातों से उसका मन पहचान लेते हैं, और हमको लगता है तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, हमको यकीन है तुम जानबूझकर कुछ बुरा नहीं करोगे, इसलिए अब जल्दी से क्लाइमेक्स पर आ जाओ। गौरव को अर्पिता यानी कोयल की बात सुनकर अच्छा महसूस होने लगा। वो बोला, थैंक यू कोयल, दरअसल मैं जी सर, प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है अभी, बस 2 मिनट में सर। सॉरी कोयल, मुझे जाना है, आई कांट टॉक नाउ, आई एम सो सॉरी, बाय। गौरव का कॉल डिस्कनेक्ट होते ही कोयल ने अपना माइक ऑफ किया और आलोक से बोली, क्या तमाशा चल रहा है ये कोई डेली सोप है जिसमें पिछले 25 एपिसोड से राज खुल ही नहीं रहा है, हमारी ऑडियंस भी यही सोच रही होगी कि इस आदमी का सीक्रेट पता चलते चलते वो लोग मरी ना जाए, हमको तो अक्षय कुमार की पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा है, तू समझा नहीं ना, तू सस्पेंस में ही मर। आलोक हंसते हुए बोला,
हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब तो मैं भी उसका राज जानना चाहता हूँ। कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं है ये, जिसको आत्मज्ञान हो गया और कन्फेस करना चाहता हो? अर्पिता फटाफट से बोली, चल ना, कुछ भी बोल रहा है, नहीं है ये कोई आतंकवादी, बेचारा परेशान है बस। आलोक अर्पिता की हंसी उड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ माते, आपने ही अभी बताया आप अंतर्यामी है, आवाज से इंसान का दिल पहचान लेती है। अर्पिता ने मजाक में आलोक को मारते हुए कहा, पिटोगी तुम भी, वो तो हम उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। अब छोड़ो इस बात को, चाय पियोगे? क्या है गौरव का ये सीक्रेट? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइव, ओनली ऑन पॉकेट FM। गौरव ने कोयल को अपना सीक्रेट बताने के लिए फोन किया था, लेकिन एन वक्त पर बॉस के बुला लेने की वजह से उसे फोन काटना पड़ा। अर्पिता सीक्रेट ना जान पाने की वजह से थोड़ा मायूस तो थी, पर ऋत्विक से नकली शादी में उसने बहू होने का असली फर्ज निभाया था, और एक अच्छी बहू की तरह वो अपनी सास से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अर्पिता राज और ऋत्विक के साथ हॉस्पिटल के रूम में उनकी मॉम के पास बैठी हुई थी। मॉम बोली, अर्पिता तुम सोच रही होंगी कि अभी अभी तो शादी हुई है, ससुराल का कोई भी सुख नहीं देखा, और आते ही बीमार सास की जिम्मेदारी तुम पर आ गई। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आंटी, हम तो ये सोच रहे थे कि जब कोई बीमार होता है तब ऐसे सुंदर सुंदर विचार आते कैसे हैं उनके मन में। हम तो बीमार होते हैं ना, तो हमको तो दिमाग में दो ही बातें आती हैं, एक तो ये कि हम जल्दी से ठीक हो ताकि बाहर जाकर अपना मन पसंद खाना खा सके, और दूसरी ये कि हमसे मिलने कौन कौन आया है और हमारे लिए खाने के लिए क्या क्या लाया है। ये फूल लाने वाले ना हमको सबसे बुरे लगते हैं। अरे करें क्या उनका, हम क्या बकरी हैं जो फूल पत्ती खा जाएं? ये बात सुनकर राज और उसकी मॉम हंसने लगे, और ऋत्विक अर्पिता को देखकर मुस्कुराने लगा। मॉम बोली, तुम हमेशा ही ऐसी बातें करती हो क्या बेटा, तुम्हारे घर में तो सब दिन भर बहुत हंसते रहते होंगे। अर्पिता ने मन में सोचा, कहां हमारे उस अकड़ू पति को तो हमारी बातें बंदूक की गोलियों जैसी लगती है, शायद इसलिए बदले में तोप के गोलों से जवाब देता है। अर्पिता बोली, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, वो क्या है ना आंटी, हमसे ना सीरियस रहा नहीं जाता है, और ना ही हमको सीरियस लोग पसंद है जो पूरे टाइम बस हिटलर बने घूमते हैं। इसलिए आप भी अपने दिमाग में ये फालतू की बातें सोचना बंद कर दीजिए, बल्कि हम तो सोच रहे हैं आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए, तभी तो आपके हाथ का बना पाइनएप्पल हलवा आपके तीनों बच्चों के साथ हमें भी खाने को मिलेगा, और जब तक आप यहाँ हैं तब तक भी कोई परेशानी नहीं है हमको, यहाँ की कैंटीन का चॉकलेट शेक बहुत बढ़िया है। ये सुनते ही राज बोला, देखा मॉम, आप सोच रही थी कि ये आपसे मिलने आती है, पर इसे तो कुछ और ही चाहिए, इसे तो न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ की हेडलाइन होना चाहिए, शादी के दो दिन बाद ही दिखाए बहू ने अपने असली रंग, चाहिए था चॉकलेट शेक, इसलिए अच्छी बहू होने का ड्रामा किया फेक। और अर्पिता ने चिढ़कर अपना मुंह बना लिया, और मॉम बीच में ही बोली, अभी पिटेगा तू मुझसे, तेरी भाभी है इज्जत दिया कर, क्या इसको इसको करता रहता है, अभी कैंटीन में फोन करके चॉकलेट शेक मंगा इसके लिए। अर्पिता बोली, अरे नहीं नहीं आंटी, अब हम भी जाएंगे, आप बस अपना ध्यान रखिए, कल आएंगे फिर से, आपको कुछ खाने का मन हो तो बताइएगा, हम बनाकर लाएंगे घर से। मॉम बोली, जब तुम हमेशा के लिए घर आओगी बेटा, तब चौके की रस्म करवा के ही तुम्हारे हाथ का खाएंगे। अर्पिता ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, उसने बस मॉम को देखकर मुस्कान दी और बाहर निकलने लगी। ऋत्विक भी उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आया, वो दोनों बस चुपचाप चले जा रहे थे, तभी पीछे से राज ने आवाज लगाई, भाई मैं भी आ रहा हूँ, वेट। राज जब उनके पास पहुंचा तो अर्पिता बोली, क्या हुआ, आंटी को अकेले छोड़कर क्यों आ गया? राज ने कहा, नर्स है उनके साथ, मुझे बस आप दोनों से कुछ पूछना था। ऋत्विक और अर्पिता राज को देखने लगे। राज बोला, मैं उस दिन सागरिका दी के सामने तो आपकी शादी का गवाह बन गया, लेकिन एक बात बताओ, मुझे तो आप दोनों ने साफ साफ मना कर दिया था कि आप दोनों के बीच रोमांस का कोई चांस नहीं है, फिर ये चटमंगनी और पटब्या का क्या सीन है, मुझे पागल बना रहे थे ना आप लोग? ऋत्विक को कोई जवाब नहीं सूझा और वो अर्पिता की तरफ देखने लगा। राज बोला, इनका तो ये हमेशा का है, जिस बारे में बात नहीं करनी होती उस पर या तो साइलेंट हो जाएंगे या फिर मुझे धमकाकर चुप करा देंगे, तू ये बता अर्पिता। अर्पिता बोली, ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। राज सवाल भरी आंखों से अर्पिता और ऋत्विक को देखने लगा और हैरान होकर बोला, मेरी वजह से, मैंने क्या किया?
अर्पिता ने कहा, हम दोनों को अपने प्यार का एहसास नहीं था, लेकिन तूने आंटी को हमारे प्यार पर भरोसा दिलाया और आंटी ने हमको। तू ही तो है वो महान इंसान जिसकी वजह से हमको शादी करनी पड़ी। हमारी शादी हुई, वरना हम तो दोनों बेवकूफ अपनी फीलिंग्स ही नहीं समझ पा रहे थे। सारा क्रेडिट तुझे ही जाता है। राज खुश होते हुए बोला, यस, मुझे पता था मैं कोई ना कोई बड़ा काम जरूर करूंगा। तुम दोनों की वजह से मुझे लगने लगा था कि मैं गलत हूँ, पर मैं तो सही निकला यार। मतलब दुनियादारी की समझ है मुझ में। इस बात के लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ मॉम के पास, बाय। राज के जाते ही ऋत्विक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, बच गए। बड़ा मुश्किल होता है यार झूठ बोलना। अर्पिता बोली, हम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं बचेगा हमसे। एक बार ये नाटक खत्म होगा ना, उसके बाद बढ़िया सबक सिखाएंगे हम उसको। अवार्ड चाहिए ना, हम उसको बहुत बढ़िया अवार्ड देंगे, फिर ये नारद मुनि बनना भूल जाएगा। आंटी के दिमाग में इसने ही डाली थी सब बकवास, और तुमने हमें बकरा बना दिया। ऋत्विक शर्मिंदा होते हुए बोला, सॉरी, तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं। अर्पिता शांत होते हुए बोली, कोई बात नहीं यार, तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की हमारे साथ, हम तो ऐसे ही फ्लो में बोल गए। चलो अब जाते हैं हम, कल मिलेंगे ऑफिस में। गौरव के घर पर डिनर की तैयारी चल रही थी। अर्पिता ने डाइनिंग टेबल पर सबकी प्लेट्स लगाई और खुद भी बैठ गई। तभी उसकी सास बोली, अरे तुम एक कुर्सी छोड़कर क्यों बैठी हो? गौरव के बगल वाली कुर्सी पर बैठो ना, बार बार खाना परोसने में दूर से परेशानी होती है, हाथ नहीं पहुंचेगा। अर्पिता सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बोली, अरे पहुंच जाएगा मम्मी जी, थोड़ा खींच लेंगे हाथ को। सास हंसते हुए बोली, तुम्हारा हाथ है, मैदा की रोटी थोड़ी है जो खींच कर लंबी हो जाएगी। चलो उठो। अर्पिता मजबूरी में उठी और गौरव के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने खाना सबकी प्लेट्स में डाला और सब खाने लगी। खाना खाते हुए गौरव मुस्कुराया। उसकी मम्मी ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया और बोली, का हुआ बबुआ, काहे मुस्कुरा रहे हो मन ही मन? अर्पिता तुम्हारे पैरों में गुदगुदी की है का? अर्पिता ये सुनकर खांसने लगी। खाना उसके गले में फंस गया था। उसने पानी पिया और बोली, हम ऐसा कुछ नहीं करी है मम्मी जी, इनको कोई जोक समझ आया होगा अभी, जो इनको किसी ने आज ऑफिस में सुनाया होगा। आप ही बोली थी ना कल थोड़ा पागल है, तो स्लो समझ में आता है बातें इनको। गौरव हैरान होकर अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। उसकी मम्मी अर्पिता को घूर कर देखते हुए बोली, हम तो ऐसे ही कुछ और बोले थे, अर्पिता ने अलग ही मतलब निकाल लिया। पर तुम बताओ मुस्कुरा क्यों रहे हो, आप इसमें कुछ अच्छा हुआ है का आज? गौरव हिचकिचाते हुए बोला, हाँ मम्मी, आज मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हुई थी, इसलिए बॉस तारीफ कर रहे थे मेरी। बोले कि मेरी आवाज से ही उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, किसी का बुरा नहीं कर सकता कभी। फिर वो अर्पिता की तरफ देखकर बोला, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी मैं ही हूँ। अर्पिता मन में बोली, झूठा, किसी और की बातों पर किसी और के नाम का टैग लगा दिया। बेटा तुमको पता नहीं है, अभी तुमको अच्छे भी हम लग रहे हैं और बुरे भी, पर चलो हमारा मकसद तो पूरा हुआ, अपने बारे में थोड़ा अच्छा तो सोचा तुमने, अब शायद अगली बार शो में कॉल करे तो पूरी बात बता ही दे। अर्पिता ने गौरव को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। गौरव की मम्मी गौरव की अपने बॉस से तारीफ वाली बात पर बोली, हाँ तो हमारा बबुआ तो है ही बिल्कुल वो सफेद वाली चॉकलेट, एकदम साफ और मीठा। खाने के बाद सब काम निपटा कर जब अर्पिता अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास ने उसे रोका और बोली, हमका बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, अब ना तुमको अपना रिश्ता गौरव से सही करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो बहुत शर्मिला है और सीधा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अर्पिता चिढ़कर बोली, आप हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेती हैं मम्मी जी, उनको पागल बोलती हैं लेकिन पागल हमको बनाती हैं। सास ने मुंह लटकाते हुए कहा, देखो अर्पिता, घर की बात घर में ही निपट जाए तो ठीक है ना, फालतू बाहर वालों को क्यों बताएं सब, अब तुम कुछ नहीं करोगी तो हम ही करेंगे, और अकेले तो नहीं कर पाएंगे तो तुम्हारी माँ से मदद लेंगे। अपनी माँ का नाम सुनते ही अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, बताइए क्या करना है। सासू माँ बस मुस्कुरा दी। अब अर्पिता को सास की धमकी से मजबूर होकर क्या क्या करना पड़ेगा, ये सोचते सोचते ही अर्पिता की आंख लग गई। जब से अर्पिता के सास ससुर गुरुग्राम आए थे तब से खुद को आदर्श बहू साबित करने के लिए वो सुबह घर में सबसे पहले उठ रही थी। आज जब अर्पिता किचन में चाय बना रही थी तब उसकी सास आई और बोली, चढ़ा दी तुमने चाय चूल्हे पर, हम बनाते हैं चाय,
तुम एक काम करो, जाकर गौरव को उठा दो। अर्पिता चौंक कर बोली, हम क्यों? मम्मी जी वो अलार्म लगाकर खुद ही उठते हैं रोज, वैसे भी अभी 5 मिनट में बजने वाला है उनका अलार्म। चाय में चीनी डालते हुए सास बोली, अब ये बात तुमको खुद समझ आ जाती तो हमको समझाना नहीं पड़ता ना तुम्हें। तुम नहीं थी तब अलार्म लगाता था बबुआ, पर अब तुम हो तो तुम ही उठाओगी ना उसको। जैसे अभी चाय में चीनी की मिठास तो चीनी से ही आएगी ना, गुड़ डालने से स्वाद नहीं बदल जाएगा, इसलिए तुम उठाओगी तो उसको अच्छा लगेगा। अलार्म वलार्म तो मजबूरी है उसकी, जब वो कानपुर में रहता था हमारे पास तब हम उठाते थे उसे, अब तुम उठाओ। अर्पिता ने परेशान होते हुए कहा, पर मम्मी जी तब की बात अलग थी, वो छोटे थे, आप माँ हैं उनकी और हमसे तो पहले ही चिढ़ते हैं वो। सास ने कड़क आवाज में कहा, तो तुम कल हमको बस ऐसे ही हाँ बोल दी कि हम जो बोलेंगे वो करोगी, कोई बात नहीं हम और तुम्हारी माँ ही देख लेंगे। अर्पिता मन मार कर बोली, ठीक है जाते हैं। अर्पिता जैसे ही जाने लगी तो उसकी सास बोली, अर्पिता जरा प्यार से, कहीं हमारा गुस्सा बबुआ पर मत निकाल देना। अर्पिता झूठ मूठ मुस्कुराई और अपनी कमरे की तरफ चल दी। अर्पिता के जाते ही उसकी सास उसके पीछे पीछे गई और कमरे के बाहर खड़ी होकर सुनने लगी। अपने सास के हाथों की कठपुतली बनी अर्पिता चली है गौरव को नींद से उठाने, पर क्या होगा इस बात पर गौरव का रिएक्शन और सासू माँ का ये प्लान होगा हिट या फ्लॉप? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट FM।